नमस्कार साथियों, सबसे पहले उन दोस्तों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड इसका संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। डाटा इसका मार्केट कैप 2,07,913 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक भी 129 का है। ROC 7.02% का है और ROE 6.55% का है। बुक वैल्यू 73.70 रुपया यानी कि 73.70। उसके बाद में करेंट प्राइस 167 रुपया का है। अपने बुक वैल्यू से डबल से भी ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर। बाउंड्री का हाई लो 185 रुपया और 114 रुपया यानी कि अपने हाई के करीब में है इसका शेयर प्राइस। डिविडेंड यील्ड 2.16% और फेस वैल्यू 1 रुपया। एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है तो उसका यूज यानी कि इन्वेस्टमेंट भी आपका ही होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। इसमें लास्ट अपडेट न्यूज है कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3) डिटेल ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो दिया गया है उससे संबंधित न्यूज है। डिटेल में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो काफ़ी समय लगेगा यानी कि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। उससे अच्छा है कि वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिएगा, और बीच बीच में मैं जो मुझे समझ में आता है वो मैं पक्का बता दूंगा जो कि इम्पोर्टेंस है। सब्जेक्ट है इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 39(3) ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हिंदी ट्रांसलेट, कृपया हमारे RTA लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त सूचना संलग्न करें, यानी कि ये कंपनी बोल रही है एक्सचेंज को, जिसमें शेयर प्रमाण पत्रों के खोने और टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर धारकों को डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जानकारी दी गई है। तो देख सकते हैं पेज बाय पेज, वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा डिटेल, कोशिश कीजिएगा समझने का। बाकी अच्छी न्यूज है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि ईमानदारी जब जताए कोई भी स्टॉक कोई भी कंपनी तो उस पर विश्वास पक्का होता है, और ख़ासकर इन्वेस्टरों को विश्वास होना चाहिए वैसे कंपनी पर। तो उसी में से एक है ये कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड। तो देख सकते हैं फोलियो नंबर, नेम ऑफ द होल्डर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर और इसी बीच में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करना है दोस्तों। किसी के वीडियो को देख करके या किसी के बहकावे में अपने पैसे को कहीं पर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट भी आपका ही होना चाहिए। समाप्त हो चुका है, ये 8 पेज का था। एक झलक देखते हैं NSEIndia.com वेबसाइट के नाम है, इस पर इस कंपनी का शेयर प्राइस 166 रुपया 13 पैसा और डिलीवरी परसेंटेज जो है क्वांटिटी का वो 42.04% का है। तो अभी भी इसमें पोजीशन बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करना है दोस्तों। इस वनडे के प्राइस चार्ट को देखने से ऐसा लग रहा है कि फिर से ये अप ट्रेंड बनाएगी।
अब थोड़ा BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर इस कंपनी का शेयर प्राइस 166.50 रुपया। जैसा कि आपको दिख रहा है डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर काफ़ी कम है, 30.40% का 27 सितंबर 2024 16:00 बजे का लास्ट अपडेट है जो कि पिछले फ्राइडे का है। तो यहाँ पर भी डिलीवरी परसेंटेज ठीक ही है, बाकी ये ट्रेंड में स्टॉक है अभी, यानी कि काफ़ी चर्चित है स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण इसमें ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ऐसा मेरा कहना इसलिए है क्योंकि देख सकते हैं NSEIndia.com वेबसाइट पे है, जैसा कि शो हो रहा है, ट्रेडेड वैल्यूम लाख में दिए हुए हैं 727.96 लाख, यानी कि 7,27,00,000 इतना क्वांटिटी का ट्रेड हुआ था पिछले ट्रेडिंग डे में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये फेमस स्टॉक हो चुका है, जबकि शेयर प्राइस 166.13 रुपया है। तो काफ़ी इसमें ट्रेडिंग चलेगी अभी और ऊपर की तरफ भी प्राइस जाएगी, हो सकता है थोड़ा सा डाउन भी जाए वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।